वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, तो पहले तीन चार लेक्चर, पहले जो से मेरे तीन लेक्चर हैं वो तो आपने ले लिए होंगे और आपने आई थिंक प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा की होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि 4 में हमें क्या मिलता है करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक एक इमेज इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ, जिसके ऊपर हाँ ये इमेज ले लेता हूँ एक। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो जा रहा है क्योंकि वर्किंग हो रही है बिहाइंड बैड लैपटॉप। तो फ्रेंड्स मैंने ये एक इमेज ले लिया। ठीक है, कंट्रोल जीरो करने से मैं इसे फुल फिट कर लूँगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब हमने पहले लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा, ये वाले पढ़े थे मूव। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल्स। ठीक है ना, अभी पहला सा सिलेक्शन टूल ये है। ठीक है, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल मार्कर टूल। अच्छा, ये आपको बताया जा रहा है सारा एक वीडियो में कि क्या करता है ये। पहले आप वीडियो देख लो छोटी सी जोन सी है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम करते क्या हैं। इसे हम छोटी सी सिलेक्शन, हम इसे सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले तो आप इसको अपना इसका ये हाँ ठीक हो गया, ये मैंने एक लेयर ले ली है। ठीक है ना, अभी मैं इस लेयर के ऊपर काम करूँगा। अच्छा, आप सिलेक्शन के लिए ये टूल यूज़ करते हो। ठीक है, अभी हम सिलेक्शन, अगर हम चाहते हैं कि हमने इतनी ये इस पेज इतनी सी सिलेक्शन लेनी है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम वी दबा के अपना टूल ले लेंगे जो सा मूव टूल है। ठीक है ना, मूव टूल से मैं इसे सिलेक्ट करके साइड पे कर सकता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं इसे कहीं किसी भी जगह पर रख सकता हूँ। ये मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। और सिलेक्ट टूल हमें रेक्टेंगल लिया था ना, इसलिए हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है। अभी मैं कंट्रोल डी करूंगा डी सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल डी किएगा और डी सिलेक्ट हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो गई। अभी नेक्स्ट हमारा ये सर्कल टूल जिसे एलिप्स टूल। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, सिलेक्ट करते हैं और वी दबा के वी प्रेस करके हम इसे साइड पे कर सकते हैं। इसे कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ यहाँ आप कहीं भी रख सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल का काम किया है। ठीक है, कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसके आगे ये टूल्स हैं। अच्छा गाइस, इसके ऊपर मैं इतनी तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा ये सिलेक्शन टूल्स के ऊपर, क्योंकि जो आप आगे बढ़ोगे ना लेक्चर नंबर 5 में, ये तो हमारा 4 जा रहा है ना, लेक्चर नंबर 5 में इससे भी इजी टूल आ जाएंगे सिलेक्शन के, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये वाला टूल्स। अच्छा, सबसे पहले ये वाला टूल पढ़ते हैं, लेसर टूल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने सिलेक्शन जब करनी होती है ना, हम अपने हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट टूल, ये रेक्टेंगल लिया था, जैसे हम रेक्टेंगल कर सकते थे, लेकिन जो सा भी मैंने टूल लिया ना, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से सिलेक्ट करके देन उसे, जैसे कि अगर मैंने सिलेक्ट करना है ये इतना सा, हाँ ये बस, अभी मैंने होल्ड किया हुआ अपना लेफ्ट क्लिक और जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के लिए। ये मैंने इतना सा सिलेक्ट करके छोड़ते ट्रैक और ये सिलेक्ट हो गया जैसे मैंने किया था। वी प्रेस करके मैं इसे साइड पे कर सकता हूँ। ओके गाइस, अभी अगर आप चाहते हो, अभी इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये नहीं था करना, जस्ट यही करना था, तो आप क्या करोगे, आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करने से आप देखो, ध्यान से देखो कि जो सा मेरा कर्सर है, कर्सर के नीचे माइनस का ऑप्शन आ गया। मैं इसे इतना सा कट कर देता हूँ कि बस ये नहीं करना, ये कट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये भी करना था सेलेक्ट चार्ट, फिर आपने आर नहीं प्रेस करना, फिर आपने करना शिफ्ट प्लस। जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे देन आपने ये सिलेक्शन करनी है इतनी सी की, ठीक है, और इसके अंदर आपने मिक्स कर देना और ये वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक होगा, ये होता है आर्ट और शिफ्ट के साथ सारे का सारा काम। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सिलेक्शन टूल आपको आएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और मजे की चीज़ ये है कि मैंने अगर इसे अलग करना तो मुझे वी प्रेस करके इसे सबसे अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन जब आप डी सेलेक्ट करेंगे ना, ये लेयर एक ही होगी। ठीक है, ये लेयर एक ही है, ये जो मैं हमने किया ना, ये लेयर एक ही है साइड पे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लेयर एक ना रहे यार, ये लेयर एक ना रहे। हम फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे पहले तो, देन कंट्रोल सी करने से ये तो चला गया अपनी जगह पे, कंट्रोल डी करते हैं। अच्छा, ये जो सा ना, हम क्या करेंगे,
अच्छा पहले हम ये सिलेक्शन पॉलीगोनल टूल इसे करते हैं। ये क्या करता है, ये आपका क्लिक पे काम करता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने क्लिक कर दिया ना, अब ये वहीं सेलेक्ट हो गया, ये वो वहाँ मतलब जुड़ गया ये, अब ये साइड पे नहीं होगा। अच्छा ये सिलेक्शन करता है ऐसी कि जैसे हमने करनी हो, मतलब एक कुछ यूनिक चीज़ हमने अगर सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि ये इतना सा हमने अगर टीवी ही सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। मैंने टीवी के ऊपर जूम किया, मैंने यहाँ प्रेस कर दिया, ये एक बार प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। अभी मैंने फिर प्रेस किया और यहाँ से इतना ये प्रेस कर लिया। और गाइस अभी सारे का सारा सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अच्छा ये मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, और मैं अभी इसके ऊपर जाके छोड़ दूंगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि मैंने इसे कट नहीं करना, मतलब बैकग्राउंड से कट नहीं करना, इसे मैंने इसकी कॉपी बनानी है इतने से सिलेक्शन की, तो सिंपली अगर आपने कॉपी बनानी हो ना, ये देखो अगर आपने इसकी कॉपी बनानी है, आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करना है, जस्ट कंट्रोल जे। देखो अभी यहाँ आपको दो टैब्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना, और एक तो हमने हाइड किया, एक के ऊपर हम कम कर रहे हैं, वो भी सिलेक्ट है। जब मैं कंट्रोल जे करूंगा तो आप वहां त्वचा करो, एक और सिलेक्शन हो गई। अभी जो सा मैंने कंट्रोल जे किया ना, वो ये हुआ है, ठीक है, ये एक का एक हमारे पास सिलेक्शन हो गई है। अभी मैं इसे भी अनहाइड करता हूँ, तो ये देखो मैं अभी इस टीवी को यहाँ रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ इस टीवी को, ठीक है ना, जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ रख लो टीवी। ये था कंट्रोल जे से हमने एक कॉपी बना ली अपनी सिलेक्शन की। अब हम क्या करते हैं, अभी मैं थोड़ी शॉर्ट टूल आपको बता देता हूँ इसकी, इसे हम रीसेलेक्ट कर देते हैं। अच्छा जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये ना हमारे पीछे ही पड़ जाता है, मतलब हम जहाँ भी जाएं ना, ये साइड पे हमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है, ये हमें छोड़ेगा नहीं। तो इसे चुराने के लिए हमने क्या करना है, इसे चुराने के लिए हमने, इसे पीछे चुराने के लिए हमने एस्केप का बटन दबाना है, जो सबसे कॉर्नर में पहला बटन होता है कीबोर्ड का, ठीक हो गया। एस्केप का बटन दबाएंगे देन ये हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये मैंने यहाँ 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 इतना सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये पीछे वाला पॉइंट नहीं था अगर सेलेक्ट करना, ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट नहीं था करना, गलती से हो गया। अब आपने पीछे वाले पॉइंट पर कैसे जाना है, बैक स्पेस प्रेस करनी है, देन पॉइंट पीछे चला गया, ठीक है। अभी मैं फिर अगर ब्लैक स्पेस करूंगा, वो पॉइंट फिर पीछे चला जाएगा। बैक स्पेस से हम पॉइंट छोड़ के अपने एक बिल्कुल डिफॉल्ट कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सिलेक्शन, इसे हम करते हैं सिलेक्ट, ठीक हो गया गाइस। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, ये मैग्नेटिक टूल, ये जो सा टूल है ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा जब आप यूज करेंगे। जैसे कि इसमें ईजी वाली क्या चीज़ है, ईजी वाली चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो अंदर वाइट वाइट है ना, ये सिलेक्ट हो जाए। अभी मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक टूल ये काम करेगा कि कलर को पकड़ेगा, ठीक है ना। मैंने जस्ट ऊपर, मैंने कोई क्लिक नहीं करना, मैंने जस्ट वाइट के ऊपर ऊपर चाहिए जाना है, वो सिलेक्शन खुद ही पीछे आप देखोगे पॉइंट बने जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा दूर भी हो जाऊँ, मैं तो इतनी ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसे पकड़ लेते हैं, अगर ये पॉइंट नहीं बन रहा तो क्लिक कर दो, देन ये बन जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट खराब बन रहा है, अगर पॉइंट खराब बन रहा है, तो आपने क्या करना है, बैक स्पेस सिंपली, ठीक है, यहाँ आपने आके देन पॉइंट क्लिक क्लिक और यहाँ तक आपने क्लिक और ये हो गया क्लिक, ठीक है। ये सिलेक्शन होगी, कंट्रोल जे करो आप, जी हाँ कंट्रोल जे करो आप, और आप इसे यूज करके साइड पे कर दो। अभी इसका और भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और कैसे हम यूज करेंगे ये। जैसे एक औरत है, एक वोमेन, इसको हमने सेलेक्ट करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये जोन सा है, यहाँ से हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, अभी मैं क्लिक के साथ साथ इसकी जैकेट के साथ साथ जा रहा हूँ। ये जैसा मैग्नेटिक टूल होता है, ये कलर को प्रेस कर कलर को पकड़ता है, ठीक है। अब ये व्हाइट कलर को पकड़ ही जाएगा, क्योंकि मैंने व्हाइट के ऊपर क्लिक किया है नीचे थोड़ा सा, अब ये उसी कलर को पकड़ ही जाएगा। और हो सकता है ये थोड़ा इसे भी पकड़ ले, इसके हैंड को भी, ठीक है ना। अगर ये हैंड को नहीं पकड़ेगा तो जूम करके आप खुद भी कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, ठीक हो गया, आप कोई भी पॉइंट बना सकते हो। अभी मैं डू करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा अभी मैं यहाँ से अगेन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने ये पकड़ा इसका हैंड,
ये मैग्नेटिक टूल खुद ही सिलेक्शन कर ही जा रहा है, ठीक है। ये और ज्यादा अच्छी सिलेक्शन करेगा अगर इसे अच्छी इमेज मिलेगी और कुछ थोड़े कलर्स वाली इमेज मिलेगी, ठीक होगा। ये इसने सिलेक्शन की है। अभी यहाँ तक हम सिलेक्ट करके इधर 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 इधर, और ये सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जो हमारी सिलेक्शन अब कंप्लीट हो गई है, हम इसको लास्ट पॉइंट के साथ जाके अपने, ये जब हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ना उसके साथ हमने जरूरी से अटैच करना होता है, और जब हम उसके पास जाते हैं ना मेरे कर्सर के नीचे देखना एक छोटा सा गोल दायरा सर्कल आ जाएगा। ये आ गया सर्कल, सर्कल आया ना, इसलिए हमें पता चला कि ये फर्स्ट पॉइंट था। हमने इसके ऊपर क्लिक किया जो ही, और वो सिलेक्शन हो गई, ठीक है ना। अभी जब अगर आपने इसे अलग करना है, इसकी जैकेट को आपने अलग करना है, देन आप अपनी लेयर पे आओगे, जिस लेयर को आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो वो अलग हो जाएगी। ये औरत आपकी अलग होगी, आप इसे जहाँ मर्जी रख सकते हो, ठीक है। इसे पकड़ के आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ रख सकते हो। ये थी सिलेक्शन टूल, ठीक हो गया। अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये कंट्रोल सी हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, हमने ये सिलेक्शन सिलेक्ट टूल पढ़े, ये वाले रेक्टेंगल और इक्लिप्टिकल, और इसके अलावा हमने ये तीन सिलेक्शन टूल पढ़े, ठीक हो गया। और मैंने आपको बताया कि अगर ये सिलेक्ट हो जाए, अगर आपने इसमें से डीसेलेक्ट करना हो तो आल्ट प्रेस करके एक और सर्कल बना लो और वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट भी दबा के ये सर्कल करोगे तो वो जो से एरिया होगा वो भी आ जाएगा अंदर, और अगर आप दोनों प्रेस करके करोगे सर्कल तो जस्ट उतना सा एरिया सिलेक्ट होगा जितना उसके अंदर अंदर होगा, ठीक हो गया गाइस। ये थे सिलेक्शन टूल, और इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये आपको आएंगे। मेरे लेक्चर सुनने से मेरा लेक्चर आई थिंक आपको नहीं पल्ले नहीं आपके पड़ेंगे, अगर आप मेरा लेक्चर सुन के सो जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आपने खुद इमेज को इम्पोर्ट करना है अपने पेज के ऊपर, उसके साथ आप खेलो इमेज के साथ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, वैसे आपको नहीं आएगा। सिलेक्शन टूल तो हारगिज नहीं आएंगे, बाय द वे आगे और भी टूल्स काफी मुश्किल मुश्किल है। आप मेरे लेक्चर के फौरन बाद प्रैक्टिस कर दिया करो, ताकि आप 10-15 लेक्चर्स इकट्ठे ले, इकट्ठे मत लिया लेना कभी लेक्चर, मेरे लेक्चर कभी भी इकट्ठे मत लेना, ठीक है ना। अगर एक लेक्चर लिया तो उसकी प्रैक्टिस करो, देन नेक्स्ट लो, ठीक है ना। इकट्ठे लेक्चर लेने से आपको कभी भी जल्दी कोई चीज आने नहीं लगी। ये वो चीजें हैं जिनकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी ग्रिप्ट होगी इनके ऊपर, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।